चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, ओ चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी डूबने वाली मुंडा सज के तेरे ते, कासनी डूबने वाली मुंडा सज के तेरे ते। Awesome. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? ट्यूसडे मॉर्निंग, आई होप कि आपकी खुशगवार सुबह गुजर रही होगी। और मॉर्निंग विद जुगन में हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि आपकी सुबह को खुशगवार बनाए। और सुबह को खुशगवार बनाने का बेहतरीन तरीका, हमारा जो एक टोटका है, उस टोटके का नाम हमने रखा है शेरी खान।
खुशी के टोटके कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सेम हियर। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारे आउटफिट्स कब खत्म होंगे। मतलब हर रोज एक नया और इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा आउटफिट। ये भी नहीं है कि पैंट भी कोई रिपीट होती है, मतलब हर बार कोई नई लुक होती है। अगर खवातीन मेरे कपड़े देखती है तो मर्द हजरात तुम्हारे कपड़े देख के इंप्रेस हो। चलो दोनों एरियाज कवर हो गए ना। और जब दोनों एरिया कवर करने की बात करते हैं तो हमारा मॉर्निंग शो जरा मेल हैवी है, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्यारे से मोहसिन भाई होते हैं ऑन द ड्रम्स, देन वी हैव राहिल ऑन द ढोलक, we have Zuhaib on the keyboard and Christopher on the guitar. Assalamu alaikum boys. And Paran Mohsin ki halat hai da. Acha mujhe instructions di gayi hain ki ladkiyon ko ladki aur ladkon ko ladka bulana hai aaj, to aaiye kitchen ki taraf rujhan karte hain aur apni girl ko milte hain jiska naam hai chef Munira Kiran ji. कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तो मतलब मैं बड़ा दिल चाह रहा है कुछ कहने को, लेकिन तुम कहले 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 तुम खुद कहो। नहीं, खुद कहो। जग्गू दादा चाह रहे हैं मुझे पाइन मुनीर कहना। लेकिन मैं नहीं कहूँगी। मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह से ये बात नहीं निकली। नहीं नहीं नहीं, आपके मुझसे अच्छी लगती है तो आपका प्यार है और बाकी तो हमारा लाड है। ये हमारा बड़े एक पुराना लोग क्या समझेंगे, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों का बातें करना है, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, फरवरी फरवरी का महीना जब आता है तो मुनीरा जहन में यही बात आती है कि एक एलिमेंट ऑफ रोमांस, क्योंकि देखो ना फरवरी के बाद मार्च आ जाता है, बाहर का सीजन आ जाता है और मतलब, अच्छे लोग मार्च में पैदा होते हैं। उसको अपनी टेंशन पड़ी हुई है, तो हमारा भी 23 मार्च को ही पैदा हुआ था। अच्छा, सो बात यह है कि फरवरी मोहब्बत का महीना, लाड प्यार ये वो, बट आज आपको स्पेसिफिकली शो पे बुलाने का रीज़न ये भी था कि जब टप्पों की और गानों की और शादी के ओकेजन पे हल्ले गुल्ले की बात होती है तो सबसे पहले इनके फैमिली वाले भी कहते हैं मुनीरा को ज़रूर बुलाना है। मुनीरा किन को ज़रूर बुलाना है? क्यों? क्योंकि आप बड़े भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट करते हो, लाड मुझे अच्छा भी लगता है। बिल्कुल अच्छा भी लगता है। टप्पे जैसे वो अभी गा रहे थे, वो बड़े मशहूर फेमस गाने हैं जब मुकाबले होते थे, टप्पियां हारी। आज हमने यही प्लान किया, मैं थोड़ी लौर शहर दी, टप्पियां तो ना हारी। उन्हें आज आपने भी पार्टिसिपेट करना है। आज आपने भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आज हमने कुछ ढोलकी टाइप का इत्तेमाल किया है। बड़े लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अभी समझ ही नहीं आती कि क्या गाएं, क्या करें, कैसे करें। ढोलकी में आप बजा दो, बिठा दो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जो शौकीन लोग होते हैं, मेरा ख्याल है उनको तो होती नहीं, वो तो बस बजाते और गाते ही जाते हैं। अच्छा, बट मेरे जैसे लोग ना जिनकी आवाज़ बहुत बुरी होती है उनको बड़ी टेंशन हो जाती है ना कि हम क्या करें। हमें बैठा देते हैं, कहते हैं मुँह हिला लो, तालियाँ बजा लो, लेकिन गाना नहीं है। हमारे टप्पे खराब हो जाएंगे, हम हार जाएंगे दूसरी टीम से। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला बजाएंगे। और आज इस मौके के तवसल से ही मैंने बड़ी अच्छी एक रेसिपी भी रेडी की है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि वो चीज़ बताओ जो हम मतलब इजीली मतलब घर में सब आज और फटाफट बना ले। तो आज बड़ी एक यूनिक सी रेसिपी आज मैं बना रही हूँ, चने अचारी, और साथ में इसकी बहुत डिफरेंट इसमें जिसमें आप बहुत इसको झटपट बना लेंगे। साथ में बनाऊँगी सूजी का हलवा, जिसमें होगी थोड़ी सी मैं गार्निश करूँगी उसकी मिठाई के साथ। तो मेरा ख्याल है कि साथ पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसको ज्यादा बनाएंगे तो बात तैयार हो जाए। अब तो आपको रेडीमेड पूड़ियां भी मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, जिनको आप मतलब लेके घर पे डीप फ्राई आराम से कर सकते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं होगा। और लेकिन चने जो से ना चना अचारी आप घर में बनाए तो ये बहुत इकोनॉमिकल बनता है, और दूसरा बड़ी क्विक रेसिपी है। और इसको बनाने की क्या टिप है ये भी बताऊंगी कि इसमें बिल्कुल प्याज नहीं जाएंगे। इसकी जो पेस्ट बेसिकली बनेगी मैं आलू से बनाऊंगी, आलू को उसको ब्लेंड करूंगी, इसकी पेस्ट बनेगी। साथ में जो से हमारे पास होंगे सूखा धनिया, जीरा, इसको तवे पे मैं रोस्ट करूंगी, इसका पाउडर बनाऊंगी। और जो मेन इंग्रीडियंट्स में जाएंगे वो है कलवंजी और साथ में मेथरे, इसको भी रोस्ट करके इसका पाउडर बनाएंगे। बड़ी मज़ेदार और स्पाइसी सी रेसिपी बनेगी जब ढोलकी की थाप चलेगी, साथ में आप इसको पूरी के साथ गर्मा गर्म खाएंगे, साथ मीठे में होगा हलवा। तो मेरा ख्याल है कि चार चांद तो लग ही जाएंगे। फिर आज की हलवा पूरी तैयार किया है, बट वो होता है ना कि टिपिकल आलू की जो होती है वो भुजिया टाइप की तैयार करते हैं। यूजुअली चने होते हैं फिर आलू की भुजिया होती है, और बट अगर आप आलू को ब्लेंड करके डाल दें तो वो बड़े मजे का ना एक थिक सी ग्रेवी भी बन जाती है और आलू चने दोनों का फ्लेवर भी आ जाता है। एंड एक्चुअली मैंने इस तरह से नहीं खाया पहले, आज खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ बहुत जो फेमस रेसिपी है ये बड़ी,
तो ये उनकी रेसिपी जो मैंने खुद जाके वहाँ उनसे सीखी और उनसे पूछी है कि यह इसमें ऐसी क्या खास बात है। अच्छा, लिंक रोड की, और आज उसी मैं रेसिपी को फॉलो करूंगी। वैसे आम तौर पे मोस्टली होते हैं कि आप उसकी थिकनेस के लिए एक चने की आप उसमें मसूर की दाल ऐड करते हैं। हाँ। तो मसूर की दाल भी आप बॉयल करके उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आलू की पेस्ट इसमें ऐड करूंगी। बहुत उसका एक बटरी किस्म का फ्लेवर है, इसमें बटर का इसमें हल्का सा मैं इसमें तड़का भी लगाऊंगी और बहुत अच्छी। और इसको कहते हैं ना, आप खाओ और मुँह से वो गोश्त का भी आपको टेस्ट आएगा, ये वो वाली। और दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो उसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं या कोई सी क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो यखनी डाल दें तो बहुत ही मजे का फ्लेवर वो और फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमारा सेट भरा हुआ होगा हमारे यंग आर्टिस्ट के साथ, उनसे बातचीत भी करेंगे, गाने का भी हमारा सिलसिला होगा, हल्ला गुल्ला करेंगे आज ब्रेक के बाद।
साहब की बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच। हम बहुत ही ओवर एक्साइटेड लोगों के बीच में आपने अपनी परफॉर्मेंस दे ही दी, वरना आपको पता है जब भी अहमद नवाज अपनी एंट्री मारते हैं तो माहौल खराब ही करते हैं और काफी खराब। और बेचारा शुजा एहसन मुझे संभाल रहा था, मैं कहा शुजा एन दूर ही रखी, और बेचारी फरा एज यूजुअल अपनी तरफ से एक सिविलाइज्ड माहौल जो है वो क्रिएट करना चाह रही थी। एनी सॉरी, एक तो 8 करोड़ आज हमारे बच्चे आ रहे हैं ना सारे के सारे। एनी हमारी बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर एनी जो है वो अस्तानी नुमा रोल अदा कर रही थी। अतिया के यानी तुम उधम मचाया हुआ है तुमने टिकटॉक पे, क्या कर रही हो तुम, क्या करती हो? कमाल कर रही है लड़की। हाँ, और तुम और मैं तो हैं, हम तो कर ही रहे, लगा लेते हैं अपनी कोई ना कोई पोस्ट, लोग थोड़ी सा देख लेते हैं, फिर नजर घुमा के उधर मुंह कर लेते हैं, फिर अतिया की पोस्ट देखना शुरू कर देते हैं। ओके, सो वेलकम टू द शो गाइस। आज क्या है अहमद, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इसको बुखार है, हमारी कराची वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी अब तो हमारी लाहौर वाली है, हमारी पंजाब वाली, और हमें कराची लाहौर पंजाब से हर कोना हर कोना हर नुक्कड़ पसंद लगते हैं, मुल्क का बहुत प्यारा है अहमद नवाज के अलावा। आइए बैठ जाते हैं अहमद नवाज, बहुत बैठ जाते हैं बच्चों, आ जाओ बैठ जाएं। नहीं तुम क्या कर रहे हो, जाओ उस कोने में बैठ जाओ नुक्कड़ में। अच्छा, तो आज हमने सोचा है कि आपस में थोड़ा सा टप्पे वाला हल्ला गुल्ले का माहौल भी रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के इंडिविजुअल जो सॉन्ग्स हैं और परफॉर्मेंसेज हैं वो भी देखनी है। अच्छा, आपसे मैंने बात शुरू करनी है, ये बताइए कि गाने की आप लिप सिंगिंग तो बड़ी करती हैं, असल में कितना को खूबसूरत गा सकती हो? गाने से भी, लेकिन लिपसिंग और एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ गानों के ऊपर ही। अच्छा, हाँ एक्सप्रेशन बहुत अच्छे कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उसी से आपको। बट टप्पों में तो गाती होगी, मतलब जब आपस में सारे फैमिली मेंबर्स और सारे जमात? नहीं, टप्पों में उनकी हेल्प कर देती जो गा रहे होते हैं उनके साथ ना। अच्छा, इंडिपेंडेंट नहीं लेके चलती सिचुएशन? बेसिकली ना मैडम, मुझे देख देख के ना लोग काफी इम्प्रेस। आपको देख के क्या लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बच्चों को कहते हैं सो जाओ अहमद नवाज आ जाएगा, क्या क्या करते हैं लोग? नहीं, जब सोते हैं, जब नाम लेते हैं अहमद का, फिर सोते नहीं डर से, डर के मारे ना। लोग पहले कहते थे जिन बाबा आ जाएगा सो जाओ, अब कहते हैं अहमद नवाज आ जाएगा, अहमद नवाज आ जाएगा। लोग घर दरवाजे खिड़कियां बल्कि वो जो अपने लकड़ी के फट्टे होते हैं वो लगाने हथौड़ी से लगाना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह ये बला नुमा अहमद नवाज आना चाहिए। मेरा भाई परेशान होने का नहीं है, हर बार तुम मैं इसकी सपोर्ट करती हो, तुम्हारा क्या, तुम्हारी दूध देने वाली भैंस उसके पास है, मसला क्या है? थैंक यू मेरी बहन, सारी परेशानियों में खुश करने वाला। कराची कराची भी तो जाना ना, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये है वो कराची से आ गई है। अगर इस परेशानी से जान छूट जाए तो फिर परेशानियां तो वैसी खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी क्या उससे कोई दुश्मनी है? नहीं, जितनी तुम्हें उसकी बिस्ती में खुशी होती है ना उतनी किसी को नहीं होती। सर जी बताइए, लाहौर आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे तो मतलब मियांवाली जो गढ़ है, ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मियांवाली एंड फैसलाबाद, फोक का गढ़ है, कुछ बताएंगे अपने म्यूजिक के करियर के बारे में? जी बिल्कुल, जरूर बताऊंगा। जैसा आपने कहा कि म्यूजिक का गढ़ है मियांवाली, तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में तो एक इंडस्ट्री की शक्ल एक इख्तियार कर गया। वहाँ पे इतने लोग म्यूजिशंस हैं, वहाँ पे इतने लोग सिंगर्स हैं, शायर्स हैं, मौसीकार्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब है वहाँ पे एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार, ये कहना वहाँ। अच्छा, और आप लोगों ने ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मियांवाली में भी ना फ्यूजन आना शुरू हो गया है, और बहुत ही मजे का ना यूथ भी इन्वॉल्व होता है मियांवाली की हर एक बात है। वहाँ पे अगर कोई किसी आप परफॉर्मेंस पे जाए तो इतना सा बच्चा भी झूम रहा होगा और घर के बुजुर्ग भी झूम रहे होंगे, क्योंकि बड़ा एक डिसेंट फैमिली वाला एटमोसफेयर होता है मियांवाली में कॉन्सर्ट्स पे, और जब जब गेट टुगेदर्स होते हैं और फैमिली में थोड़ा सा लाउड हो जाता है लाहौर कराची साइड पे, लेकिन मियांवाली में अभी भी वही डिसेंसी और वही बड़ा सिविलाइज्ड अंदाज बरकरार है। फैसलाबाद में भी यही वाला हम सिलसिला देखते हैं। आई थिंक लाहौर कराची कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया। खैर, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, टप्पों की तरफ जाएंगे, कुछ गाने की परफॉर्मेंस जा रहे हैं।
कुर्सी तो छोड़ दो, लो जी पीठ पीछे बैठ के पीठ पीछे बैठ के चले ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नेकी बदी का फेर अच्छा है ना, आपको नजर नहीं लगेगी। समझावे कोई हर दिल दा रोगी आवे कोई, जिन्निया साडे दिल नू लगिया एदे दिल नू लावे कोई। मेरा प्यार पछाड़ना कमला नी मेरा ढोलन मारी, कमला नी मेरा ढोलन मारी, दिया लगिया जाने ना। हासे बुलिया ते जच देने, हासे बुलिया ते जच देने, नी जद जद तू हस दी चन तारे हस देने। अच्छा कूल बातें अगर हम कर रहे हैं तो एनी एनी को कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है हमने, क्योंकि एनी ने सालगिरह से भी बहुत बड़ी चीज है आपकी गुजर गई है सालगिरह, आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, आप चुप कर जाओ। तो बात ये है इतनी दुख इतना इतना पीड़ कि एनी ने अपना अपनी मॉन्टेसरी स्टार्ट की है पैरागॉन में, और बहुत बहुत मुबारक हो एनी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एनी हमें खाना खिला रही है कि मतलब अगले ने नई बिजनेस शुरू की है, हमें उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि ना कि हमें उसे कहना चाहिए दुख पैसे इतने खर्च किए ने हुन होर छाड़े ते भी खर्च कर। ये बाय द वे प्लीज हरकत बंद कर दे, बर्थडेज पे भी कहते तू खाना खिला, जिसकी सालगिरह है उसको आप सजा दे रहे पैदा होने की हूँ तू पैसे खर्च कर। तो बहुत बहुत मुबारक हो। एनी एजुकेशन की तरफ कैसे शुरू से भी कराची मास्टर्स भी आपने इसी में किया? मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है और मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का भी सारा किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 6 इयर्स मैंने अपनी कराची में मॉन्टेसरी और प्रेस्टीज स्कूल उनके लिए किया, और अब इसका नाम इस मॉन्टेसरी का एनी मॉन्टेसरी हाउस एनी एनी
आपने ये क्या देखे, तालीम को फरोग देना और उसको प्रमोट करना हम सबका फर्ज है, और बच्चों की तालीम जो है वो ग्रास रूट लेवल पे शुरू होती है। मैंने भी डबल मास्टर किया हुआ, किसमें? खाने खाने में, मतलब नहीं नहीं, डबल मास्टर पहला गलत हो गया था, पहला गलत हो गया था, डबल करना पड़ गया, वो भी नहीं सही है। आपने क्यों किया था डबल मास्टर बेटा, नलायकी और ओछेपन में? मैं कुछ करके दिखाना चाह रहा था लोगों, लेकिन नहीं हुआ, नहीं वो, लेकिन रैनी ने कर दिया, डबल मास्टर किया, पहला खराब हो गया, पहला खराब हो गया, फिर दूसरा गिर गया, उस्तानी जैसा लगता है, दूसरा ही मैंने किया था डिलीट हो गया, पहला मेरा भाई लगता है, पता नहीं क्यों, जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई मुझे पता नहीं अहमद भाई भाई हो है, पता नहीं क्यों भाई हो है, आप लोगों को भी एक बात कहूंगी व्यूअर्स के, प्लीज हम लोग अपने बच्चों को ना डायरेक्ट स्कूल में डाल देते हैं, मॉन्टेसरी सिस्टम से हम गुजारते नहीं है, जिसकी वजह से जो बेस होती है ना, देखिए पहले मतलब पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चे की तालीम जो है ना, जो आप उसकी एक फाउंडेशन ले कर देते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी बच्चा लेके चलता है। सो अगर आप किसी अच्छी मॉन्टेसरी का इंतखाब करते हैं अपने बच्चों को डालने के लिए, मतलब 2-2.5 साल की उम्र पे, लोग कहते हैं वो बच्चा बड़ा छोटा है 5 साल तक पाएंगे, ये वो होता ही है कि बेस नहीं स्ट्रांग होती। सो एनी मॉन्टेसरी हाउस इज एन ऑसम ऑप्शन, राइट? एंड आप लोग डेफिनेटली जो लोग पैरागॉन में रहते हैं और सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। सो कांग्रेचुलेशंस एनी। थैंक यू। अच्छा, सबकी जिंदगियों में आजकल हो क्या रहा है, जरा अपनी अपडेट्स तो मुझे सारे देना भैया, आपसे शुरू करते हैं, आजकल क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात यही सिंगिंग में है, कुछ हमारे ऑडियो वीडियो रिलीज हो गए, तो अभी कुछ के ऑडियो हुए हैं, वीडियो करने वाले हैं, और कुछ ऑडियो के प्रोजेक्ट हैं वो रहते हैं। आजकल क्या हो रहा है? आजकल एक तो मेरा न्यू घर बन रहा है माशाल्लाह, बस उसमें बड़ा मेहनत, जो मैं रात को कमा के लाता हूँ सुबह लगा देता हूँ। अच्छा, दाता साहब आप ही खड़े होते हैं? जी जी बिल्कुल। कभी किसी के खुश होना, तुम खुश होना, बदतमीज। अच्छा, और सेकंडली माशाल्लाह अपना घर और इतनी यंग एज पे अपना घर बनाने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दुनिया में हम मैडम सिर्फ खाना, ये आपने ना अपनी लेफ्ट साइड पे बदी का फरिश्ता बिठाया हुआ आपको, और ये आपके फ्रेम में आपको नजर नहीं लगेगी। उठा के आके बैठ गया साथ नुक्कर पे। एनी जी, मेरे जो है 2 ड्रामास की ओएसटी बहुत जल्द आ रही है इंशाल्लाह, एक सिटकॉम के लिए कर रही हूं और बहुत अच्छे बड़े प्रोड्यूसर के साथ, ये मेरे लिए अमेजिंग। एंड उसके साथ जो पोएम और उसके साथ साथ एक मैंने कलाम किया है और बहुत ही अच्छा उसका फ्यूजन है, और वो इंशाल्लाह आज परफॉर्म करूंगी मैं सबके सामने। अमेजिंग। ओके, पूछना पड़ेगा इसकी जिंदगी में तो सिर्फ अहमद आवाज, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है हम सबको पागल करने के अलावा? मैडम आपको सब कुछ पता है कि अपकमिंग एक बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, और बर्गर आने वाला है बहुत बड़ा, मूवी भाई मूवी की है नवाज भाई, आपने हम दोनों साथ हैं उसमें, आप भी बदकिस्मती में से। हाँ, फिर तो वो हिट तो नहीं है, आप ये से प्रेडिक्ट कर रही हूं हिट होगी वो। अब पहले खाना इस पे बनता है, आप सबसे इस बात पे खाना बनता है, वाह, खाना सबसे पहले आप पे बनता है। नवाज भाई आज कवर कैसे करोगे आप बताइए मैडम, हमारी टिकटॉक सुपरस्टार और हमारी जनरल सुपरस्टार, मेरा बच्चा ज्यादा सुपरस्टार है जी, मेरा बेटा बताओ। मैं फिलहाल तो अभी ये सोच रही हूँ कि मैंने अपने कपड़ों का ब्रांड जो है वो लॉन्च करना है। Are you serious? हाँ, seriously. Amazing. टाइम से और एक सलून बनाना है अपने ही नाम पे, कपड़ों का ब्रांड भी अपने नाम पे। लेकिन कपड़े आपने मुझे पहनाकर तस्वीरें ले ली, आप मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में जिसने जो जो काम कर रहे हैं इसको जरूर देना है, मतलब जिसने गलती से भी कुछ लेना था वो भी नहीं लेगा। अच्छा, ये हमारा प्लान है, और ये कब लॉन्च करने जा रही हो बेटा? ये मैं इंशाल्लाह, हाँ जी, 3-4 महीने तक ना अभी। ओहो, ना ना ना, ये वो है जो शो से पहले हुए इसको। ये देखो बेटा, जरा मंगाओ ना खाना पहले ही से, पैसे दो ना शो से पहले जो हुए इसको। 5,000 रुपए में शलवार नहीं आनी एक। अच्छा, ये बताइए मेरा बेटा, आपकी क्या अपडेट्स है मैडम? वैसे तो आप मॉर्निंग में जुगन में होती हैं, बस
इसके अलावा तो आपका सर खाती हूँ आप लोगों का और तस्वीरें की जो आती हूँ वीडियोस बनाती हूँ घर चली जाती हूँ घर जाके अमन लोगों का घर नहीं कद छोटा इसलिए हील बड़ी पहनी हुई क्या नहीं आपसे तो बड़ा ही है थोड़ी सही है मेरे भाई की कितनी बेइज्जती है तन बड़ा दुख हो रहा है तू इत्थे आ जा मैं उत्थे आपका भाई है ना इसलिए और बीच में एक एज अ म्यूजिक कंपोजर मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है जानी रिकॉर्ड लेबल से जावेद बशीर साहब को मैंने अपनी कंपोजिशन तो इंशाल्लाह गाने की तैयारी करो मैं जरा किचन में जाके देखूं कि क्या बन रहा है अभी हम गुफ्तगू का भी आपसे जानना है फराजी की क्या आपकी लाइफ में आजकल हो रहा है चलो उधर पढ़ाओ चल हाँ जी रेसिपी मैडम बदतमीज अच्छा क्या बन रहा है ओ माइक नहीं है अच्छा जी माइक की तरफ हम जाएंगे अहमद नवाज को जिंदगी में काम भी कर लिया करो
नहीं नहीं अहमद आप हलवा टेस्ट करें, तब तक मैं रेसिपी नहीं आ सकता ये। एक्सक्यूज मी, मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है। हाँ, कोशिश करना। तो यार क्या कर रहे हो, इधर खड़े हो साइड पे। जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इसकी प्यूरी पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बना के मैंने इसको रख दिया पकने के लिए, और आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी थिकनेस बनी है। और चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और अब ये बनेगा हल्की आंच पे और इसको हम पकाएंगे खूब। सेकेंडली, जो हलवा था, हलवे में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हलवे की जब तक सूजी की खुशबू नहीं आती तब तक आपके हलवे की पहचान नहीं होती। नहीं, हलवा काफ़ी सूज गया। जी, सूज गया। आप टेस्ट करें, मैंने सर स्पून भी आपके लिए रखा हुआ था कि आप टेस्ट करें, क्योंकि आपने काफ़ी माशाल्लाह रौनक लगाई है, और तो मेरा मीठा तो फिर कुछ बनता है। तुम ये तो तुम्हारी जैसी तो मेरी बहनें हैं ना, वही इसको और ओवर करती हैं। अब ये देखिए कितनी इसकी अच्छी एक थिकनेस और ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बन गई है। इसमें कोई मैं नहीं हूँ। स्टॉप इट, तुमने भी गाना गाना है। खाई जा रहा है। रौनक उड़ा दी हलवे की सारी। जी बिल्कुल। इसमें मैंने देखी जोगन, बिल्कुल प्याज नहीं ऐड किया, सिर्फ उसकी पोटैटो पेस्ट थी। लेकिन जो मैंने बताया था कि मसाले आपने भून के इसको फिर ब्लेंड करके उसमें ऐड करें, बड़ी चीज़ की खुशबू आएगी। और इसमें जब हम हल्का सा डालेंगे, ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जब उसकी गार्निश करेंगे कलवंजी, आपको पता है कि इतना अच्छा इसका अरोमा बनेगा। और अभी मैं प्लेटर रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मैंने लहसुन से इसमें साथ जो रखूँगी वो होगी खट्टी दाल, और वो भी साथ में पक रही है, साथ में चने। हैदराबादी स्टाइल वैसे खट्टी दाल इतने मजे की होती है, और उसमें क्या इतना डिफरेंट होता है। उसमें इमली का पल्प जो होता है ना, जिसका पानी होता है, पानी आपने भिगो के रखना है और वो उसमें ऐड कर देना है, और जबरदस्त आपकी खट्टी दाल बनेगी। और साथ साथ मैं, और उसके ऊपर ना तड़का, और मैंने देखा है कि उसके ऊपर जो तड़का लगता है ना, उसमें काफी चीजें डलती हैं। उसमें कलौंजी को भी फ्राई करके डालते हैं। ये मेथरे है ना, मेथरे डालते हैं, जीरा डालते हैं, सूखा धनिया। जब तक आप चीजों को, जो मसाले इनको रोस्ट करके डालेंगे ना, उसकी खुशबू और उसका अरोमा बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल फर्क होगा। तो ये आज की हमारी रेसिपीज हैं, और साथ साथ क्योंकि इसके साथ अगर नान हो जाए, पटूरे हो जाए। जी बिल्कुल, नान भी हो, यही हमने स्टार्टिंग में बात की, नान हो, रोटी हो, पटूरे हो, इवन के व्हाइट राइस भी अगर होंगे, इसकी थोड़ी सी हम ग्रेवी अगर बना लेंगे थोड़ा। ये हम पिज्जा कढ़ाई बना रहे हैं। नहीं, ये हम दाल बना रहे हैं। फट जा गाना गा, तेरी मेहरबानी। खुदा का वास्ते अहमद नवाज से गाना गवा दे, वरना इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया। चले, हम फिर ब्रेक की तरफ अभी जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद प्लीज वहीं पे खड़े हो जाओ। तुम अगले 15 मिनट तक वहाँ पे खड़े ना, फिर तुम्हारा गाना प्ले होगा। वो अभी मुझे पता चला है, कहीं से इंडिया से मुझे कॉल आई है। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद नवाज हैंड्स अप करके एक टांग पे खड़े हुए होंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मीठी मीठी बातें हो रही हैं, और शदीद एक बदज़ायका इंसान मेरे राइट पे बैठा हुआ है, जिसका नाम है अहमद नवाज़। और वो सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता चला कि ओ, मोईज़ गुड़ जो है, जो एक बहुत ही अमेजिंग खालिस गन्ने के रस से बना हुआ तैयार करता एक गुड़ है, तो इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर आके बैठ जाऊँ, शायद इनको भी कुछ मिल जाए। अब देखते हैं कि इनको कुछ मिलेगा कि नहीं, इस पर तो हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मोईज़ गुड़ के बारे में आपको ये बताऊंगी कि ये 100% प्योर है और नेचुरल है। इस वजह से आप इसको विदाउट एनी टेंशन खा सकते हैं। नेचुरल एंड प्योर भी इनकी टैगलाइन है। और मोईज़ गुड़ के सिर्फ एक या दो फ्लेवर्स नहीं है, 5 मज़ेदार फ्लेवर्स है, जिनमें ऑरेंज पील है, जिंजर है, कोकोनट है, सौंफ है, और ओरिजिनल फ्लेवर भी है। आप इस गुड़ को बाय इटसेल्फ स्नैक के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हेल्दी भी है, और ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग अल्टरनेटिव है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एनर्जी लो हो रही है, तो आपने इसको यूटिलाइज़ कर लिया। ऑफिस में बैठे हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल आपको लग रहा होता है कि बस सोने वाला हाल है, मोईज़ गुड़ आपको वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे देगा। फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, जी चाहता है कि कुछ मीठा दें, तो मेरे ख्याल से गुड़ से बेहतरीन मीठा पुराने वक्तों में तो गुड़ ही खिलाया जाता था। सो फैमिली गैदरिंग्स हो गई, स्टडी टाइम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट नाइट हो रहा है, तो कुछ देर और जागना है, मोईज़ गुड़ अगेन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। खाने के बाद
आपके हाजमे के लिए भी एक बेहतरीन ये ऑप्शन है। जो लोग बिला वजह बेकरी के आइटम्स खा के अपनी तबीयत ख़राब करते हैं और अपने आप को वेट गेन भी करते हैं, गुड़ जो है वो टी टाइम का भी बड़ा अच्छा स्नैक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग रात को कावा पीते हैं, कहवा पीते हैं, तो कुछ अपने मुंह में मीठा चीनी वगैरह डालने की कोशिश करते हैं। आप अगर मोइज़ गुड़ की एक बाइट ले लें या एक इतना सा, ये देखे ना, इट्स अ स्मॉल लिटल पैकेट एंड बिल्कुल परफेक्ट सर्विंग साइज है इसका एंड नीट एंड क्लीन। ये देखें ना, हाइजीनिकली पैक्ड है, लॉन्ग लास्टिंग, आपको एनर्जी भी मिलती है, आपकी निज़ाम हजम डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। कैसा है, मजे का है ना? अभी ऑरेंज पील वाला आपने खाया, इट्स ऑसम। और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। बाय द वे, सिंगर्स को भी कहते हैं कि अगर गले में खराश आ रही है, इशू आ रहा है, तो आप जरूर गुड़ का इस्तेमाल करें। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है, ये एक बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट है। तो ज़रूर अपने लाइफ में गुड़ का इस्तेमाल करें और मोइज़ गुड़ का इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज़ एन एब्सोल्यूटली अमेजिंग स्नैक टी टाइम, आफ्टर मील, स्टडी टाइम, किसी भी स्टेज पे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप एक बॉक्स लेके आएंगे ना किसी भी फ्लेवर का, आप बाकी सारे डब्बे अगली बार जाके खुद ही नेचुरली ले आएंगे। बल्कि मैं चाहती हूँ कि हम अपने सब गेस्ट को ट्राई कराएं। रुक जाओ ना, हाय अल्लाह, तुम्हें ये लो, ये लो, अच्छा था, ये लो मोइज़ गुड़ की तरफ से, बस करो, वापस रखो उधर बोल में वापस। मैडम वो इधर आइए और कुछ काम करें, आइए। अच्छा, एक तो इस बंदे को समझ नहीं आती, ये आपके लिए मोइज़ गुड़ की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें सारे फ्लेवर शामिल है। उधर आप पकड़ाएं अपनी बहन को, एनी को। परा जी, आपके लिए बहुत से प्यार और लाड के साथ। थैंक यू शुजा बेटा, देयर यू गो, मोइज़ गुड़ आपके लिए, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा, लड़कियों को खुद पकड़ा रहे हैं, मोइज़ गुड एंड देन आपके लिए बेटा, ये मेरा हक, मोइज़ गुड आपको मिल जाएगा, बेहोश ना होए आप। और ये थैंक यू आपके लिए एंड देन फॉर यू आल्सो मोइज़ गुड। तुम्हारा गाना सुन के फैसला करेंगे कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हें मोइज़ गुड दिया जाए कि नहीं। जाओ, ये मैं अपने पास रख रही हूँ, अगर तुमने अच्छा गाया तो फिर तुम्हें मोइज़ गुड की तरफ से हम देंगे गिफ्ट। अहमद भाई, कोई आए ना आए, तुम्हारी बहन, आप बस उनकी सपोर्ट करती रहे। और ये वाले भी मुझे यार, मेरे प्यारे प्यारे भाई जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी मोइज़ गुड़। ये ऑरेंज पील वाला फ्लेवर है, आपने भी जरूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक देनी। देयर यू गो, मत करो ना, छोड़ दो तुम्हें। हाँ, और हमारे जो कैमरामैन है उनको भी।
ਦੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਧੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲਾਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਧੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਧੀ लेकिन उससे पहले जी आप रह गई थी, आपने हमें अभी तक बताया कि आपका आजकल क्या मसरूफियात हैं, बड़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि वाकई हमारी बहुत ही अरसे के बाद मुलाकात हुई, और दूसरा ये कि कामों में बिजी, शोज़ में बाहर भी और इधर भी और रिकॉर्डिंग्स में, बस जो काम हमने पकड़ा हुआ है इसमें तो आपको पता ही है कि बस ऐसे बिजी। मगर मेरा बहुत दिल था कि मैं आऊँ, लाजमी आऊँ। देखती रहती थी पोस्ट नेम्स आपकी आपकी, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ आपकी जो वो गपशप बड़ी खूबसूरत सी। आप मेरी जिंदगी का जिसका नाम है अहमद नवाज। नहीं मतलब इतना खूबसूरत नाम और इंसान उसके साथ जो अटैच हुआ है, मैं क्या करूं? वो उससे भी आला। नहीं अच्छे हैं ये, जरा रौनक लगाते हैं। वो तुम्हें मतलब मंथली का खर्चा देता है, क्या क्या मसला है जो मतलब इतनी तारीफें उसकी करी जा रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पता नहीं आप लोग बुराई क्यों करते, मुझे समझ नहीं आता बुराई है क्या। अच्छा मुझे ये बताओ उसकी अच्छाई कौन करता है? अच्छाई मैं करती हूँ, आपके अलावा
एनी जैदी करती है। अब वही तो प्रॉब्लम है। तो आप इतने सीरियस क्यों हैं? एनी ने इसको मॉन्टेसरी में दाखला देना है। अगर तुम वादा करती हो कि इसको अपनी मॉन्टेसरी में दाखला देके इसकी ग्रूमिंग करो, क्योंकि आपकी मॉन्टेसरी का तो ये एक अंडरस्टूड बात है ना कि एक तो आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे लेकिन तालीम के साथ तरबियत पे भी उतना ही फोकस होगा। डेफिनेटली आई विल कम मॉन्टेसरी इन योर लेवल। इन्होंने तरबियत के लिए वहां पे दाखला लिया। मॉन्टेसरी डोंट वरी अबाउट इट। आपकी बहन है मॉन्टेसरी। इसकी स्पेल बड़ी आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर पोस्चर, यानी कि आप इसको इंसान नुमा अभी भी अच्छी है थोड़ा सा। जगत जी आपको इसके स्पेल आते हैं क्या? मॉन्टेसरी नहीं बुरी बात। खड़ा पेश तो सीख लेना पहले। डबल ए लेना। तुम्हारी आज तक जेर जबर नहीं सीधी हुई तो ऐसे आजकल काफी रौनक लगाई हुई है अहमद भाई ने। ये आपकी बड़ों की दुआएं है, बहनों की, बड़ों की। मैं नहीं, नहीं, कोई बात थप्पड़ में इसको थप्पड़ लगाओ। नहीं नहीं वो मुझे लगा दो, मुझे इज्जत दे रहा। मैं क्यों बड़ों की दुआ? अच्छा मुझे कह रहे थे बड़े। आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा। नहीं बड़ा जी बिल्कुल। आपकी रोजाना मुझे पोस्टें आती हैं बहुत ज्यादा, ये छोड़ दे। अहमद भाई आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड बना दूंगी, डोंट वरी। थैंक यू। आपको सब आला कहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको दाखला ले, तरबियत करें। किसी ने लंगर देना हो, डेट का ऑर्डर देना हो, बिल्कुल आपको देंगे। अच्छा सर आपकी तरफ चलते हैं क्योंकि यहां पे तो गुफ्तगू कहां से कहां निकल रही है। नईम नियाज़ी साहब हमारे साथ है, मियां वाली से स्पेशली हमारे पास आए हैं। ओवर टू यू भैया, माइक आ जाए। सर अगर हम आपके शहर में आएंगे हमें वहां रहने की जगह मिल जी भैया।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हस्ती मुस्कुराती और मुस्कुराहट की जब बात होती है और मुस्कुराती सुबह की जब बात होती है तो दांतों का उसमें अमल दखल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और कोलगेट स्पार्कल जो है वो दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में क्योंकि शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, ये तीनों चीज़ें इसको एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन बना के प्रेजेंट की जाती है आपको इस खूबसूरत पैकेजिंग के अंदर। एंड या जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ 125 रुपीज़ में आपको टूथपेस्ट मिल जाती है। सो कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इंतखाब करें। फ्लोराइड जो है वो दांतों की वो मजबूती फराहम करता है और इन्हें कीड़े लगने से यानी कैविटीज़ बनने से महफूज रखता है। लौंग दांत की तकलीफ में बहुत कारामद होता है और इसके साथ साथ ठंडा गर्म जो आपको महसूस होता है उसको भी मैनेज करता है। पर्ल पाउडर तो को चमका देता है और जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो आपके सामने हाजिर हो जाती है कोलगेट स्पार्कल। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन बाय द वे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च की बेस पे की गई है ताकि आपके दांत जो है महफूज भी रहें और मजबूत भी हों। कोलगेट स्पार्कल की शक्ल में आपको मिल जाता है एक बेहतरीन ऑप्शन। अच्छा, हम दिन में कितनी दफ़ा दांत ब्रश करें ये सवाल बार बार पूछा जाता है। 2 से 3 दफ़ा दिन में दांत ब्रश ज़रूर करने चाहिए जिसमें सुबह और रात का वक्त ज़रूर शामिल होना चाहिए। 3 महीने के बाद जो है आपको अपना ब्रश तब्दील कर देना चाहिए क्योंकि टूथब्रश का अक्सर पूछते हैं कि ब्रश कितने दिनों बाद रीयूज़ करना चाहिए व्हाटएवर। सो 3 महीने के बाद आपको टूथब्रश अपना चेंज कर लेना चाहिए। इसी तरह कैविटीज़ क्यों बनती हैं दांतों में कीड़े क्यों लगते हैं? होता यह है कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स मीठा वगैरह खाते हैं तो हमारे दांतों में कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। आपके दांतों में जो गैप्स होते हैं उसमें जाके ये चीज़ें फंस जाती हैं और जब आप दांतों को ब्रश नहीं करते तो उसकी वजह से ये फिर प्रॉपर कीड़ों की फॉर्म में या कैविटीज़ के फॉर्म में सामने आती हैं। फाइनल एक और सवाल जो बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि डेंटिस्ट कब जाना चाहिए? 6 महीने के बाद, चाहे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आपने डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करना है और अगर दांतों में प्रॉब्लम हो तो फौरन डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर के पास जाएं। हर बीमारी से आपको, दांतों की बीमारी से आपको कोलगेट स्पार्कल महफूज रखता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इस्तेमाल भी तो आपने करना है ना, सिर्फ घर लेके नहीं आना। ऑल्सो फाइनली आपको नंबर देना चाहूँगी 03209463502। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तस्वीरें विद कोलगेट स्पार्कल और आप जीत सकते हैं एक बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर, ये जो आप देख रहे हैं फ्रॉम कोलगेट स्पार्कल, जो आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। अब गाने की तरफ चलते हैं क्योंकि जब इतना प्यारा सा माहौल सेट हुआ हुआ है और ब्रिलियंट सी फरा जी भी हमारे साथ हैं, सारे हमारे आर्टिस्ट, हमारे म्यूजिशियंस जो आए, फरा की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं उनका नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। Thank you.
absolutely beautiful. What a brilliant, brilliant, brilliant song. What a brilliant performance. और जहाँ पे इतना खूबसूरत गाना सुना है तो खूबसूरती के राज पे बात करना भी ज़रूरी है. And friend, एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम जो आपके सारे गैर ज़रूरी बालों को रिमूव कर देती है बहुत ही जेंटली और इफ़ेक्टिवली. ना कोई पेन, ना कोई इशू, और विद इन 3 to 6 minutes आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है. और साथ में इसकी इतनी प्लेजेंट और ख़ूबसूरत सी रोज़ फ्रेग्रेंस है जो वैसे भी वो जो एक महकती हुई अमेजिंग सी स्मेल है वो आपको बहुत रिलैक्स कर देती है. और आपकी स्किन हेयर रिमूवल के बाद बहुत सिल्की स्मूथ हो जाती है. होता यह है कि जब हम सैलॉन्स या जिसको हम पार्लर भी कहते हैं, ब्यूटी पार्लर कहते हैं, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो जो हेयर रिमूवल के मेथड्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं. मैं अगर कहूँ अजियतनाक तो ये बात गलत नहीं होगी. ये एक ऐसा जेंटल और इफ़ेक्टिव तरीका है एन फ्रेंच को यूज़ करके हेयर रिमूव करने का कि आपको दर्द भी नहीं होती और आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ और सिल्की होती है क्योंकि इसके फॉर्मूला के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र और बेबी ऑयल शामिल है. सो हेयर रिमूव भी हो जाते हैं और बाद में आपको ऑयलिंग और मॉइस्चराइजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सो एन फ्रेंच का ज़रूर इंतखाब करें. बोथ लोशन एंड क्रीम फॉर्म में अवेलेबल है. 20 सेकंड की आपने वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करनी है 0320-946-3502 पे. अब वो वीडियो कैसी होनी चाहिए आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. French. Iske baby oils or moisturizers banai skin 2 times softer and smooth. Wow! Kaun sa salon? Bye bye salon, hello and French. जी हाँ, बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंड. हम भी यही कहते हैं कि सैलॉन की जान छोड़ें, घर पे रिलैक्स हो. और वैसे भी व्यूअर्स आजकल कोविड और SOPs और इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो घर पे हम जितना ज़्यादा इन मामलात को डील करें मेरे ख्याल से ये बेहतर ऑप्शन है. और मुझे बताएं कि अगर आपको दर्द भी नहीं हो रही और विद इन 3 to 6 minutes मतलब 5 minutes के अंदर अंदर आपका हेयर रिमूवल का भी ऑप्शन जो है वो आप अवेल कर सकते हैं तो सैलॉन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. विच इज़ वाई वी कीप सेइंग बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच. अब ऑब्वियसली जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है वो तो हमारा कमर्शियल है और वीडियो कमर्शियल्स काफ़ी एक्सपेंसिव बनते हैं. आप अपने फ़ोन से कोई भी वीडियो तैयार करके हमारे साथ शेयर करें और ये एंड फ्रेंच का गिफ्ट हैम्पर आप जीत सकते हैं. 0320-946-3502 पे आपने हमें व्हाट्सएप करनी है वीडियो और उसमें आपने ये ज़रूर कहना है कि बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच, और उसमें एंड फ्रेंच की क्रीम या लोशन वाली बॉटल आपके पास होनी चाहिए. एंड बाय द वे टिकट पैक में भी अवेलेबल है. और वीडियो बनाएंगे, अगर आपकी वीडियो जीत गई तो वैसे ही आपके पास जो है पूरी की पूरी सप्लाई आ जाएगी एंड फ्रेंच की और उसके साथ साथ और भी मज़े मज़े की बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी अच्छी यूज़ की इस्तेमाल की चीज़ें हमारे इस गिफ्ट हैम्पर में हैं. सो आप भी हमारे साथ वीडियो शेयर कीजिएगा. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे किचन में भी नज़र डालनी है, देखना है कि शेफ़ मुलीना ने क्या तैयार किया है. वैसे तो उन्होंने बड़ी चीज़ों की कमिटमेंट्स की थी, अब देखते हैं वो रेडी हुई भी हैं कि नहीं. और उसके साथ साथ सॉन्ग भी होगा, वो थोड़ी सी गुफ्तगू भी होगी. आप हमारे साथ रहिएगा. लगी तेरे नाल जद दी दिल मेरा नहीं हो
बस च अग लगी तेरे नाल जद दी कन्ना दे चुमके अड़िए लगते ने क्यूट तेरे तेरे नाल ही जिंदगी दे देने क्यूट तेरे तेरे नाल ही जिंदगी दे कर लेने प्लान बड़े तेरे लिए ही मैं सोनी यूके दी टिकट कटानिया तेनू मैं कट्टन वास्ते वेडिंग रिंग भी मंगवानिया तेनू होर की कहना है तेनू होर की कहना है जग पावे दो असा एक होके रहना है जग पावे दो आके असा एक होके रहना है नीतू सहेलिया दे विच किड्डी सोहनी लगदी नीतू गिद्दे विच नचदी फलोर पटदी नीतू सहेलिया दे विच किड्डी सोहनी लगदी नीतू गिद्दे विच नचदी फलोर पटदी नीतू सहेलिया दे विच किड्डी सोहनी लगदी नीतू गिद्दे विच नचदी फलोर पटदी नीतू सहेलिया दे विच किड्डी सोहनी लगदी चलें जरा अब किचन में भी झांकी डाल देते ना जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन तैयार हुई गाने गुने में और उछल कूद में खाना भी तैयार हो गया वैसे अगर जिंदगी ऐसी ही हो मुनीरा अगर हम लोग हंसते खेलते हुए पॉजिटिविटी के साथ मोहब्बत प्यार के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते अब देखिए व्यूअर्स हमारे सेट पे सारे सिंगर्स आर्टिस्ट हैं यू नो मॉडल्स आर्टिस्ट मतलब ये सारे वो लोग हैं जो अपनी अपनी राइट में बड़ी सॉलिड अथॉरिटीज़ हैं हमारे म्यूजिशियन भाई हैं शेफ मुनीरा है कोई एक दूसरे से इनसिक्योर नहीं हो रहा आपस में लाड प्यार के साथ एक बंदा परफॉर्म कर रहा है हम सारे उठ के जा रहे हैं ऑब्वियसली जब एनी ने कलाम पेश किया तो वो तो एक अदब वाली बात होती है कि इंसान नहीं उठता बट मतलब हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इनकरेज करते हैं अगर हर फील्ड में लोग ऐसे करें क्योंकि आपके फील्ड में भी शेफ्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो एक मुकाबले वाली और इस किस्म की चीज़ होती है और जैसे कि कहते हैं ना वो मिसाल भी होगी चार दिन की ज़िंदगी है हंस खेल गुजार लेनी चाहिए तो मेरे ख्याल ही हंस खेल के इसी को कहते हैं कि हंस खेल के गुजारो खुश रहो और आबाद रहो खुशियाँ तलाश ना करो खुशियों को ढूंढने से मिलती है खुशियाँ आपके पास होती है बिल्कुल और यहाँ पे अहमद नवाज आ लो जाओ ते गाना गाओ हमने अपना शो क्लोज करना है हमारे बहुत प्यारे भाई जो मियाँ वाली से स्पेशली आए हैं भैया आपको अल्लाह खुश रखे आबाद रखे थैंक यू आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला आप सबको मैं थैंक यू नहीं कहने वाली क्योंकि आप तो हमारे प्रोग्राम का बड़ा रेगुलर हिस्सा है और फरा भी वापस री एड हो गई है हमारे ग्रुप के अंदर तो हम तो बड़े खुश हैं ये सारे जो बच्चे हैं अल्लाह इनको खुश रखे इनको आबाद रखे बहुत टैलेंटेड हैं अहमद के अलावा अहमद चलो बेटा जाओ शो क्लोज करो आ जाओ माँ सद के खाना छोड़ दो खाना जा जा ना करो ना भाई अहमद खाने का बड़ा टैलेंटेड है हाँ ये खीरा खाए डोला मुल्तानी बड़ा सोना है डोला मुल्तानी बड़ा सोना है डोला मुल्तानी बड़ा सोना है शराबी नाले कोरा
गोरा मुखड़ा लगदा है जीवें कोई चन दा टुकड़ा अखियां शराबी नाले बाबा